फरियाल यू नो आई एम सो फॉन्ट ऑफ यू लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ इतने अरसे बाद दिखी हो इतने अरसे बाद मैं तो चैनल भी सर्व करती रहती थी चैनल बदल बदल के देखती रहती थी टेलीविज़न कि अभी मुझे मेरी फरियाल नज़र आएगी कहाँ हो इतने अरसे से तुम ई एस पी एन स्पोर्ट्स पर आई एम द फुटबॉल ओके कभी भी इतना शॉक नहीं था

और उसमें मेरा काम कैमरे के पीछे का है और वही मैं चाहती हूँ इसीलिए सिर्फ आपकी खातिर बेगम साहिबा मैं आज कैमरे के सामने आई फरिया थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट लेकिन तुम जब जब भी कैमरे के सामने आई तुमने कुछ ऐसा किया कि लोग उसके बारे में बात करते रहे उसको याद करते रहे तुम्हें याद करते रहे यू यू बीन अ ब्रिलियन परफॉर्मर ऑन कैमरा और मैं ये तुमसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि जो कैमरे के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं को शौक नहीं होता कैमरे के सामने आने का हमारे यहाँ प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम है um, बेशक आप ये कहेंगी कि uh, बहुत से चैनल्स आ गए हैं मीन देर इज़ अ प्लसोरा ऑफ चैनल्स प्रोड्यूसिंग वर्क बट इट इज़ नॉट नेसेसरली क्वालिटी वर्क आई बिलीव यू नो दैट वी स्टिल नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन डेवलपिंग कंटेंट एज वेल एज़ फॉर्म क्योंकि मेरी uh, एकेडमिक ट्रेनिंग एज ए पोलिटिकल इकॉनमिस्ट काफ़ी रेगरस रही थी um, मेरी इब्ता की जो स्कूलिंग हुई है ती अमेरिकन स्कूल इन लाहौर वो सिस्टम ही ऐसा है कि यू लर्न टू मैरी फॉर्म एंड कंटेंट एट अ वेरी वेरी अर्ली एज सो फॉर मी इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू बी वर्किंग इन एन एनवायरमेंट जहाँ ना फॉम है और ना कॉन्टेंट है uh, हमारे यहाँ जो जिस तरह का प्रोग्राम बनता है अगर वो फिक्शन बेस्ड है तो उसका अब इस दिहाई में कोई ताल्लुक़ नहीं है आम इंसानों की ज़िंदगी से मेरा मेरा जो ी काम है वो तमाम इंसानों की ज़िंदगी पर फोकस करता है मेरे लिए इसलिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करूं ऑब्जेक्ट यानी कि एक शय एक चीज़ की तरह जबकि मैं एक मुकम्मल इंसान समझती हूं अपने आप को तो मैं समझती हूं कि एनी बडी हैज़ दैट सेंस ऑफ देयर ओन एबिलिटी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट और इवन टॉलरेट

Filmmaking making, what diploma mm. course? Did you course? I was trained extensively. I, my first training was um, in London, uh, at the University of London, in media education, from, uh, and during which time I was also working with the BBC as an intern. I was in Europe mein thi, um, uh, at the Radio Netherlands Training Centre, where I did my focus on news and current affairs. I was directing live programming for uh, Radio Netherlands. उसके बाद मैंने अपना डेवलपमेंट का काम शुरू किया अपनी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का सिनेमाया के नाम से तुमने भी बोला कि हमारे यहाँ मीनिंगलेस किस्म का काम हो रहा है हमारे बीजेपी चैनल्स के ऊपर बट डू यू डिसक्रेडिट द फैक्ट कि मिस जो मीडिया है इट कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज टू क्रिएट सोट अवेयरनेस और तुम्हारे जैसे लोग जो जहासद बा, काम करना चाहते हैं जिनके पास सोच भी है जिनके पास जज्बा भी है हु हैव अ पर्पज़ इन लाइफ तो तुम लोगों के लिए तो और से बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ये इस वक्त you know to come onto the media and use it in a more effective way Begum sahaba, i could kiss you for this i mean i, I because i'm an old woman now mm -hmm. and my knees hurt i'm not going to get up and <laughs> and do this but i could really i i, I laud you for even raising this issue uh, media ka istemal insani tarakki ke liye is mulk mein nahi hua um, meri jo training hui hai academic training as a political economist usme ye cheez bahut uh, waze par samne aati hai ke hamari uh, um, जो आबादी है उसकी अक्सरियत ना ख़्वाद है अब उनका जो एक जरिया है इंफॉर्मेशन लेने का वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है रेडियो है या टेलीविज़न है प्रिंट मीडियम जो है वो एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि खानदगी ही नहीं है लिटरेसी नहीं।, नहीं है नहीं। मेरा गिला हकूमत पाकिस्तान से हमेशा ये रहा है कि ये आपने अपनी जेब से नहीं बनाया यानी जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रही है They have been extremely discouraging, and I can be open enough uh, on this channel uh, to say this. Um, they have beaten down the most important initiatives and the most important interventions. Uh, not that I brought up uh, the, the most wonderful uh, projects, uh, projects have been presented over many years now by various uh, production people as well as by writers. Unko Hamesha Tha or ग्लैमर नहीं है इसमें अब आप अगर एक आ, बहुत ही बुनियादी मसले को ग्लैमराइज़ करेंगे मसलन आपकी आ, 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 आपकी कहानी जो है वो साफ़ पीने के पानी के बारे में है कि साठ फ़ीसद हमारी आबादी जो है उसको साफ पीने का पानी नसीब ही नहीं है उसको आप ग्लैमराइज़ करेंगे उसमें क्या आप डिफ़ेंस का बंगला दिखाएंगे जहां साफ पीने का पानी का मसला शायद इस हद तक है कि वहां टैंकर पहुंच जाता है लेकिन जहाँ आज आपके हस्पतालों को क्वारंटीन किया जा रहा है कि कराची में दे आर डेथ्स अकरिंग एवरी डे इंक्लूडिंग ऑफ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स इंक्लूडिंग यंग डॉक्टर्स हैव डाइड ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट इज नोन एज द कांगो वायरल फीवर आई डो नॉट सी द नेसेसिटी और आई थिंक दैट इट इज़ डी मीनिंग द लाइफ ऑफ़ द पीपल विच आर इट्स टेक बाई इंसिस्टिंग के जी इसमें ग्लैमर डालिए यानी कि वो खातून जो अपनी आ, बालों में भी रंग डाल के और आँखों में भी रंग डालकर आपके सामने पेश हो जाती है और अपने आप को एक चीज़ बतौर एक चीज़ पेश करती है बता, बतौर इंसान नहीं hmm. तो मेरा तो झगड़ा उनसे अरसे से हो रहा था अब मैंने उनसे झगड़ना ख़त्म कर लिया अब जो प्राइवेट चैनल्स आई हैं इन में शायद गुंजाइश है अगर सुनने वाले हैं तो मेरी इल्तजा है कि आ, अगर मेरे साथ नहीं आप काम करना चाहते तो बहुत से लोग हैं जिनकी यही सोच है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बुनियादी मसला ये है कि हमारी आबादी का चालीस फ़ीसद हिस्सा जो है वो बत की लकीर के नीचे रहता है फ़रियाल you know, तुम्हारे आने से एक तो बहुत फ़ायदा हुआ मैं तो कितने सालों से कह इस हवेली में कैद हूँ इस ड्राइंग रूम के अंदर खूबसूरत हवली आपकी इट्स अ गिल्डेड केज बेगम साहिबा थैंक यू सो मच फरिया लेकिन मैं नहीं देखती ग़ुरबत को मैं नहीं देख पाती आम लोगों के मसाइल को तुम तो मुशाहिदा भी करती हो बाहर जाती हो देखती हो और उसके बाद एक और बात तुम्हारी बातें सुन के जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी मेरे जहन में बहुत बन गई है अभी तक तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स को ही जानती थी समझती कि यूनाइटेड स्टेट्स ही है बट समझती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस में भी अकलमंद लोग बैठे हैं जिन्होंने तुम्हें गुडविल एम्बैसडर United Nations' Cup point here, and you held that office, and you were there and representing Pakistan around the world. So you could take up all these issues. What role did you play as, a, as the UN Goodwill Ambassador to raise these issues on the, you know in, in the international sort of um, community? Well, Begum Sabah, since you've given me this opportunity to uh, speak my mind, I'm going to speak it very honestly. Uh, I was, um, as the French would say, the enfant terrible within the UN Goodwill Ambassador. को ग्रूप विच मीन्स एट आई वॉज द चाइल्ड हु मेड अ लॉट ऑफ नॉइज विच पीपल डिट वॉन्ट टू हेयर अभी कल ही मैं एक कॉन्फ्रेंस से उठ के आई हूँ इस्लामाबाद से आपके यहाँ आने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक आबादी से था लेकिन खसूस पापोलेशन और जो यूनाटेड नेशन्स की मिलेम डिवेलपमेंट गोल्स हैं जिसमें आठ गोल्स हैं जो जिन जिन ममालिक ने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है वो हमें 2015 तक अचीव करनी है मसलन मटर्नल मोटेलिटी में रिडक्शन चाइल्ड डेथ्स में रिडक्शन यूनिवर्सल इनमेंट फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन में पैरिटी जेंडर एम्पावरमेंट जेंडर में पैरिटी ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ कुछ हद तक इनको हमने इंक्रीज़ या रिड्यूस करना है डिपेंडिंग ऑन विच इज़ द गोल वे टॉकिंग अबाउट इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे एक डिबेट पर बुलाया जिस पर मुझसे ये कहा गया कि आप खुलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कीजिए यूनाइटेड नेशंस के बहुत से कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे और उनके होते हुए मैंने ये कहा कि पाँच साल पहले जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्मूलेट किया जा रहा था न्यूयॉर्क में तब भी मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और आज भी करूँगी कि जब तक आपबत के बुनियादी वजूहत की तरफ निशानदेही नहीं करेंगे तो आप गुरबत का हल नहीं ढूंढ सकते जब तक आप जो इनिक्विटीज़ हैं जो इम्बेलेंसेज़ हैं जो नासाफियाँ हैं जो सोसाइटी में कॉन्ट्रोडिक्शन हैं जब तक वो आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप हंगर को इरेडिकेट नहीं कर सकते तो जब तक आपने वडेराना निज़ाम को नहीं छेड़ा जब तक आप उसको डिसमेंटल नहीं करते जब तक आप अपनी पार्लियामेंट में इंसान जो कच्ची बस्ती में रह रहा है उसका नुमाइंदा वहीं से उठेगा ना उसका नुमाइंदा फेज फोर के बंगले से नहीं उठेगा लेकिन होता तो हमारे यहाँ यही है इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं इट इज़ ऑफ़ कोर्स एन एपेक्स बॉडी इट्स एन एपेक्स वर्ल्ड बॉडी विच सर्वस मेनी वंडरफुल पर्पसेस। द फर्स्ट बीइंग के हमने पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में दोबारा जंग नहीं होने देनी लेकिन क्या ये हुआ इस वक्त जितनी जंगें लड़ी जा रही हैं सिविल वॉर्स से लेके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स टेरिटोरियल वॉर्स वॉर्स ऑफ कंट्रोल वॉर अगेंस्ट टेरर ये सन 72 सन 82 के बाद आप सोच लीजिए hmm. 55 इयर्स और सो वी हैव हैड प्रोबब्ली मोर वॉर्स देन एनी अदर टाइम इन हिस्ट्री एब्सोल्युटली अभी तुमने वॉर ऑन टेरर का जिक्र किया I mean, jitna war on terror bolte hai mein, to, I'm terrorized by the very sound of these words. I tell you, war on terror, war on terror. It's so unfortunate. Begum sahiba, you know, my, uh, my submission is hmm. that what is the war on terror? Hmm. What about the terror in a child's eyes hmm. when they are forced to sleep without having a meal? Hmm. What about the terror in the mother's eyes? What about the terror of a woman who is abducted and raped?

और हर लॉस एक्चुअली हैज़ बीन कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग फॉर मी इन 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 द सेंस दैट एवरीथिंग इन माई लाइफ टोटली चेंज शी वॉज माई एंकर शी वॉज द रीज़न आई एक्चुअली रिमेंड रिमेन्टैच्ड टू हर इवन फिज़िकली बिकॉज मैं रहती भी उन्हीं के पास ही उनके घर के अंदर नहीं लेकिन उन्होंने हम तीनों के घर अपने साथ ही बनाए हुए थे तो अम्मी ने इंकरेज किया हमें अमेरिकन स्कूल में डाला मुझे मेरे भाई को मदिया कॉन्वेंट में थी वो भाई रहना चाहती थी वहाँ हमने um, ड्रामा भी सीखा डिबेटिंग भी की साइंस क्लब की प्रेसिडेंट रही थी मैं एथलेटिक्स में मैं और मेरे भाई बहुत आगे थे आई वाज कैप्टन ऑफ फाइव ऑफ आवर स्पोर्ट्स टीम्स एट द अमेरिकन स्कूल शी इंक्रेज एवरी सिंगल एक्टिविटी यू नो एंड शी फॉट फॉर इट व्हेन आई वाज ट्रेनिंग एज अ कथक स्टूडेंट इन कथक मेरे जब उस्ताद आते थे तो सामने वाले घर में uh, जो बच्चे थे उनको जब हारमोनीय मतबले की आवाज़ आती थी तो वो गेट पर पत्थर फेंकते थे दिस वॉज ड्यूरिंग द ज़िया रिजीम उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था ठीक है डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हेड फ्लरिश्ड मच बिफोर जनरल हक यूसफ्ट पावर और अम्मी ने सामना किया उन बच्चों का okay. उसके बाद फिर मैं मगिल चली गई वहाँ पढ़ी लेकिन अम्मी का असर अभी भी आज ही बल्कि आपसे मैं ये खुश खबरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने नेशनल कमीशन ऑफ़ मेटरनल हेल्थ के साथ सुबह मेरी मुलाकात हुई आई एम वर्किंग ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उन्होंने उन, उनको मैंने ये कहा है कि लाहौर में जो आप अपना दफ्तर खोलना चाहते हैं मैं अपनी वालदा का घर जो मेरे uh, हिस्से में आया है वो मैं आप लोगों के लिए um, बगैर मुआवजे के लिए खोलना चाहती हूँ यू यूज़ इट एज़ योर हेड हेडकोर्टर्स एंड आई वुड बी वेरी वेरी प्लीज इफ़ दे डू दैट इट वुड ऑनर माई मदर्स मेमोरी बहुत मुबारक हो और मैं भी तुमसे खुशखबरी शेयर करूंगी थोड़ी देर के बाद लेकिन उससे पहले तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी दैट आई लव योर चॉइस ऑफ वर्ड्स ओह थैंक यू और मेरे yeah. ख्याल में तुम्हारे अंदर जो इतना बैलेंस है माशाल्लाह उसकी वजह अभी जो तुमने बताया सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस एंड द इंडियन इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट मर्जिंग कमिंग टुगेदर रियली आज की मैं भी इतनी मजे से अपनी

Uh, requires for those who select the area of work to be living in the area. I selected okay. South Asia as my focal okay. uh, area. So you were here? Yes, of or course. And I Christmas, New I am <laughs> um, going to be celebrating Christmas with the Cuban doctors up in the northern areas where they have been serving the earthquake survivors. I would prefer to be there any time, any time given, day or night. राधर दैन टू बी इन न्यूयॉर्क और एनी अमेरिकन सिटी एट दिस पॉइंट इन हिस्ट्री आई हैव ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम विध दूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेशक वो मेरा वीज़ा कैंसल कर दें बेशक मुझे कभी वो अंदर ना आने दें अपने मुल्क में बल्कि मैं तो मैं तो इसी ख्वाहिश इसी चीज़ की ख्वाहमंद हूँ कि मैं वहाँ से बरसाना नॉन गराटा हो जाऊँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस वक्त जितनी तबाही मुल्क में दुनिया जहान में उस मुल्क ने उस पेंटागन ने और उस व्हाइट हाउस ने की है वो काबिल माफ नहीं है hmm. मैंने अपने यहाँ एक uh, ऐसे मेहमान को दावत दे रखी है जो इस वक्त हु कुड वेल बी एन अथॉरिटी टू कॉमेंट ऑन ऑन कश्मीर अचामिंग मिनिस्टर एनी गेसिस No, I don't think any of our ministers are charming, but perhaps this one is. <laughs> <laughs> He is the minister for कश्मीर अफेयर्स and northern areas. इट्स माई प्रिविलेज टू कॉल इन मखदूम फैसल साल हयात तशरीफ लाइए

मुझे जब से पता लगा कि मखदूम साहब को कश्मीर अफेयर्स का पोर्टफोलियो मिला है मैं तो इतनी खुश थी कि मखदूम साहब को फोन करूंगी और कहूंगी मखदूम साहब ले चलिए मुझको कश्मीर मैं कश्मीर देखना चाहती हूँ वहाँ की वादियों में घूमना आप तो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं आप मुझे बताइए हाउंडीर फ्रामी this, this आपने जो कहा ना कि यू नो कश्मीर की मनी प्लेस इन द वर्ल्ड बट जो कश्मीर में जो नेचुरल uh, उसकी जो uh, उसकी यू you नो know, एक ब्यूटी uh, भी हेयर एंड अपार्ट फ्रॉम देट जो आपको एक वहाँ पे एक्सपीरियंट नजर आती है लोगों में यू you नो know? आई एकट ब्यूटी विद दोल्स ऑफ दी कश्मीर इज़लसो तो वो आपको दुनिया में बहुत कम जगहों पर आपको नजर आएगी इट्स नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ़ लोगों के घर तबाह हुए हैं जिंदियाँ तबाह हुई हैं घर उनके पहले भी तबाह होते रहे हैं एंड आई यू नो फॉर देनिफिट ऑफ दोज व्यूअर्स जिनको पहले कश्मीर के मुतल शायद इतना इल्म न हो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है विद जो हमें डिवाइड करती विद इंडियन ऑक्योपेड कश्मीर उसके साथ साथ इट इट्स वेरी लॉन्ग वेरी लॉन्ग यू नो हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स उसके साथ जो लोग बसते हैं फॉर द पास सिंस 1947, सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट ययर्स से कंटिन्यूसली इंडियन शेलिंग होती रही वहाँ पे फ्राम अक्रॉस इंडियन ऑक्योपेड कश्मीर और उनके घर एक दफ़ा नहीं बीसियों दफ़ा तबाह हुए बट स्पाइट दैट उनकी रिजिलेंस है उनकी स्पिरिट है एंड अबव ऑल उनकी एक कमिटमेंट है विद द लैंड ऑफ कश्मीर के दे रिफ्यूज़ टू लीव लीव दोज एरियाज़ यू नो ये चीज़ जो है आपको बहुत कम दुनिया में ऐसी ऐसी जगह होंगी जहाँ आपको मिलेंगे आपको पीपल हैव रिस्क है लाइव हैव रिस्क देयर प्रॉपर्टीज दे हैव रिस्क देयर फैमिलीज़ दे हैव रिस्क देयर फ्यूचर सब कुछ उन्होंने रिस्क किया है नहीं किया वहाँ से इस दफ़ा भी जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली यू नो इट वॉज मैन मेड पहले तो होते ना मैन मेड क्लेमिटीज़ आती रही है दिस वॉज द फर्स्ट नेचुरल क्लेमिटी एंड इट इज़ पथेटिक जो वहाँ पे डिसोट यानी अल अल्फाज नहीं होंगे हमारे पास आपने यू नो दीडिया इज़ डन सो मच पिछले डेढ़ माह में जो दिखाया उन्होंने इतना कुछ और वर्ल्ड uh, कॉन्शियस को झंझोड़ा है हमारा नेशनल कॉन्शियस को झंझोड़ा गया है इसमें और मीडिया का बहुत बड़ा रोल इसमें है बट uh, आप वहाँ uh, खुद जाके देखें एंड यू नो आई वुड वेलकम यू आप 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 मोस्ट वेलकम वहाँ पर आना चाहती हैं यू नो दिस इज़ समथिंग जो कि हमारे साथ यू नो इट ट्रांसेंड्स यू नो ऑल ऑल बॉर्डर्स कोई इसमें मज़हब भेदभाव किसी की बात नहीं है इट् ह्यूमन ट्रैजडी बियॉन्ड ऑल प्रपोर्शन यू नो और उसको उस हवाले से देखना चाहिए आपको जी बट डिस्पाइट दैट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी क्लामिटी हुई है और वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स भी इतनी नहीं है चंद यू नो लोगों में भी लोगों के जहन में हो कि जी पता नहीं कितनी बड़ी लोगों की जागीरें होंगी वहाँ पे एकर्स मुरबों की पे मोहित होंगी उनकी लैंड होल्डिंग्स होंगी कनालों में गजों में उनकी लैंड होल्डिंग्स है। हैं हैंड टू माउथ रहते हैं वहाँ पर लोग बट इट्स द स्पिरिट जो उनकी है एंड देट स्टैंड आउट जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है मखदूम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी आप कश्मीर के हुसन की बात कर रहे थे यकीन जानिए हुसन की कमी तो यहाँ भी नहीं और स्पिरिट यहाँ भी बहुत जिंदा है लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी फ़रियाल का तो प्लान था तुम्हारा तो था इरादा जाने जानने के लिए एक मरतबा तो लव टू गो टू कश्मीर एंड लव टू सी विद ओन आइज़ वहाँ के वहां लोगों के क्या हालात हैं वो किस तरह से जिंदगी के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं आई डोंट थिंक यू कीपिंग इन व्यू हमारे जो ट्रस्टली लिमिटेड हैं इससे ज़्यादा हम कुछ कर सकते थे विच इज़ इवन ह्यूमनली पॉसिबल सो so, रिस्पॉन्स uh, बहुत अच्छा था जी इट वॉज सर्टनली मोर कुड हैव बिन डन हम कर सकते थे बहुत बट जो गिवन एनवायरनमेंट था उसमें इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे और आज़ाद कश्मीर की आपको मैं बात बताऊं मैं क्योंकि बल्क ऑफ द ट्रेजडी वाज इन दैट पार्ट ऑफ द रीजन उसके दो रास्ते हैं मुजफ्फराबाद को जो कनेक्ट करते हैं एक है वाया गढ़ी हबीबुल्लह ये फ्रंटियर का रास्ता है एक है मरी बूरमा से अब जाए कोहला की तरफ से दोनों रास्ते बंद थे दे वो टोटली डिस्ट्रॉयड वो सड़कें तो थी नहीं वहाँ पे Uh, मैं पहले भी इसको एक बात को कह चुका हूँ आई एल रिपीट दैट अगेन यू नो फॉर दी बेनिफिट ऑफ द व्यवर्स इट टुक 57 सेवन ईयर्स सतावन साल लगे थे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करने में सड़कें ब्रिजेज स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस गवर्नमेंट का इन्फ्रास्ट्रक्चर और ये फिफ्टी सेवन सेकेंड्स में इट इज़ रेज टू द ग्राउंड तो हमारे पुलिस के नेटवर्कस थे हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क थे वायरलेसेस थी एटी परसेंट पुलिस स्टेशन डिस्ट्राए हुए थे मोस्ट ऑफ आर सीनियर uh, हमारे जो सरकारी अफसरान हैं आज़ाद कश्मीर के दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस हमारे आर्म फोर्सेस के आ, वहाँ पे जो फ्रेंस हैं दे सफर्ड उनकी खासी वहाँ पे वहाँ पे हुई डेथ्स हुई ओवर 500 हंड्रेड इंक्लूडिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग उनके जो कमांडर थे ब्रिगेडियर उनकी फैमिली you know, ये ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब आप देखते हैं ना कि रिस्पॉन्स क्या हुई है जब ऐसी रिस्पॉन्स होती है तो हु इज़ सपोज टू बी यू नो रिस्पॉन्डिंग हमारे सरकारी लोग ही करते हैं ना तो हमारे वी आर बैंकिंग ऑन हमारे जो हैं हम इन्हीं पे बैंक करते हैं जब उनका हर चीज़ लूज़ कर गए वो तो हम किस पे बैंक करेंगे बट डिस्पाइट दैट फैक्ट आई वुड से जो इसका जो, जो, जो आजाद मैं आई एम टॉकिंग आजाद कश्मीर राइट नाउ वहाँ पे जो डेथ टोल इस वक्त है दैट इज़ क्लोज टू फोर्टी फोर थाउजेंड और उसमें सत्रह हज़ार बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं सत्रह से साढ़े सत्रह हज़ार मैं ऐसे ही समझी सारी um, uh, फैसल साहब मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ जो आप बात कर रहे हैं बल्कि मैंने छः हफ़्तों से जब से ये हुआ है ये साना तब से मैं लिख ही नहीं पा रही इट्स बिन ओवरवेलमिंग आई डोंट हैव द वर्ड्स आई ऑल्सो फील कम्प्लीटली इन अडकोर्ड बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या uh, पूरे उतरे नहीं उतरे फौज का इसमें जो रोल था वो सही था मैं तो समझती हूँ कि जितना मैंने देखा uh, वो बहुत था लेकिन ये तो आप हाल की बात बता रहे हैं ना कि जो हुआ मैं समझती हूँ कि इससे पहले जो हालात पैदा हुए हैं आज़ाद कश्मीर में जितने बच्चों का आपने जिक्र किया सत्रह हज़ार ये स्कूल में बैठे बच्चे मरे हैं स्कूलों के स्ट्रक्चर्स फॉल्टी थे दे वर नॉट बिल्ट अकॉर्डिंग टू द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री

जहाँ तक मरगला टावर्स का सवाल है जहाँ आपकी अच्छी खासी अपर मिडल क्लास आबादी रहती थी

कहना चाहता हूँ बट फिन माई पीपल दट वेज इस्लामाद की जो ओवरऑल जो प्लान इसका बना है ना इस्लामबाद का उसमें जो इन्होंने उस प्लान में जो अर्थक् की जो इंटेंसिटी को अकाउंट फॉर किया हुआ था इन द्लानिंग एंड इन दू नो रेजिंग ऑफ दिस बिल्डिंग्स दैट वॉज अपल ऑफ सिक्स ऑन दल सिक्स तक किया था अब ये जो आया जर्जा इट वॉज सेवन पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स था यू you नो know, इन uh, मुजफ्फर आबाद उस तरफ बाई टाइम इट रीच वो डायलूट हो गया उसका इन एनी केस इट वॉज इट वॉज मोर दैन सिक्स अब पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ एक बिल्डिंग मरगला टावर और वो भी उसका एक पोर्शन गिरा है मरला टावर के और भी वहाँ पे हैं पोर्शन uh, हैं विच विच फार्चुनेटली जिनको उस उसमें क्रैक्स हैं बट गिरे नहीं वहाँ पे बट इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ डिफेंड कर रहा हूँ उसको नेचुरली वी इट इज दियर इज़ नो डाउट कि वी नीड टू डू मच मोर देट इज़ ए रीज़न अभी एक पूरा कोट जो है बिल्डिंग कोर्ट उसको रिव्यू किया जा रहा है फरियाल तुमने तो यहाँ से चले जाना है फिर मखदूम साहब मुझसे नाराज़ होंगे कि बेगम साहब आपने घर बुलाकर कर क्या संजीदी गुफ्तगु शुरू कर दी मेरे साथ sure <laughs> uh, <laughs> कॉन्वर्सेशन लेकिन तुमने जो पॉइंट्स उठाए बिल्कुल सही उठाए अभी मुझे भी पॉइंट उठाने मखदूम साहब के साथ वो ये है कि मखदूम साहब पी uh, पी पी पे पहले इतना इल्ज़ाम था कि

आई बिन एसोसिएट विदी सहबा के साथ लॉन्ग टाइम हो गए hmm. तो उसमें uh, मैं 2002 की बात करूंगा। आई डोट नो आप पहले मेरे आने से पहले क्या गुफ्तु होती रही है uh, फयाल फर्या, बेबी की आपके साथ ठीक <laughs> है बट uh, जब ये 99 में जनरल परवेज मुशरफ ने मैंने टुक होवर अब इट्स ये हमारी uh, मुल्क में हिस्ट्री है और you पावर know, hmm. uh, मतलब तो उसके बाद जब उनकी एग्जिट होती है ना देट देट बिट डिफिकल्टो ये ऐसे होता रहा है अयूब खान या फर्स्ट आर्मी जनरल कमांडर जिन्होंने वक्त पे करवाए खान ने इलेक्शन टाइम पर नहीं करवाए पावर हैंड नहीं की बट रिजल्ट जो रिज़ल्ट हुआ आपके सामने था जनरल जावलक ने खाना काबा में खड़े होकर नाइन्टी डेज़ का वादा किया था और ग्यारह साल बाद इलेक्शन करवाए सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल का मैंडेट दिया था इनको तीन साल में इलेक्शन करवा दिया इन्होंने अब हम यू नो दूसरी तरफ सोचें अगर इलेक्शन ना करवाते तो क्या पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी और आ, एलिमेंट का उसमें हिम्मत थी कि वो इनको मजबूर करती इलेक्शन करवाने में नहीं थी उस उससे पहले मिलिन मार्चेस हुए हैं बड़ा कुछ और हुआ है यू नो सो ही एट एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम, सो वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट कि उन्होंने इलेक्शन करवाए, अब दिस इज़ अ सेपरेट आई थिंक के जी इलेक्शन कैसे हुए बट अगेन आई वुड से मैंने इलेक्शन उसको लड़ा था अपोजिशन में होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बेजर भुट्टो साहबा किए उसने कहीं नहीं उस वक्त नहीं कहा था कि इसमें रिगिंग हुई है मैं यू नो आई वॉन्ट टू ब्रेंग इट ऑन रिकॉर्ड हमने बिल्कुल ये बात नहीं की थी बाद में जब गवर्मेंट बनी तो उसके बाद उन्होंने कहा हॉर्स रेडिंग हुई है या बड़ा कुछ हुआ है ना वॉट हैपन वॉज इलेक्शन हो गए हमें बीबी ने दुबई बुलाया सम जो हमारे जो सीनियर लोग थे पार्टी के हम अड़तीस लोग गए वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हमने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है अपनी टर्म्स पे तो उसमें से मेरे साथ एक दो और लोग थे जिन्होंने कहा जी कि आपने खुद यू नो इनको सपोर्ट किया है मुशरफ को तो अगर आपको ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन आपने करनी है तो यू नो पोलिटिकल फ्लैक्सीबिलिटी आपने होनी चाहिए दिखाई उसमें बट अब अगर हमने करनी सियासत चलानी पॉलिटिक्स करनी अगर उस वक्त ये असमनेटाल हो जाती तो क्या उससे डेमोक्रेसी आती या उसे फिर वही सेटअप चलना शुरू शुरू हो जाता दैट इज़ टाइम वन वी डिसाइडेड कि हम सेपरेट होकर हम इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आगे लेके चलेंगे एंड वी डिसाइडेड टू सपोर्ट प्रेसिडेंट डिस और हमने अपनी पार्टी बनाई बट यू यू नो शी इज़ वेरी विद मेरी बात हुई थी आपकी बी बी दो दिन पहले तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि मखदूम फैसल हयात आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए कहने लगी कौन मखदूम फैसलसाले हयात मैंने कहा पिंकी मखदूम फैसल साल हयात पेट्रियट वाले तो कहने लगी वो पेट्रियट नहीं है आई एम एन एक्स पेट्रियट वहाँ दुबई में बैठी ऑल आई कैन डू इस पावर विंडो शॉपिंग और ये आराम से पावर के शावर में नहा रहे हैं लेकिन जो अजीब बात है वो ये है मखदूम साहब कि आपने इतना अरसा इतना अरसा आप छब्बीस साल की आपकी एसोसिएशन रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तोड़ते हुए दुख तो हुआ होगा बहुत धुख तो हुआ था सर्टनली इसमें कोई शक की बात नहीं जो आप कितनी लंबी एसोसिएशन हो तो क्यों नहीं होता था और फिर यू नो मेरे एक आई हैड ए कमिटमेंट विद विद दी विद विद पार्टी प्रोग्राम अब ये दिस इज अनदर डिबेट कि जी पार्टी प्रोग्राम जो है वो 86 के बाद जब बीबी पाक पाकिस्तान वापस आई थी एंड एटी में हमारी गवर्नमेंट बनी उसके बाद किस हद हाँ तक हमने एडियर किया या यू you नो know, वो जो आई जो प्रिंसिपल थे इसके लिए हम खड़े रहे यू you नो know, जब मैं स्कूल में था कॉलेज में यूनिवर्सिटी में था या मैंने पढ़ रहा यहां भी बात तो वो किस साथ टकरा है बट यू नो कमिटमेंट थी उसके साथ hmm. दुख जरूर दुख बहुत हुआ था उसमें रिश्ते टूटने की बात हो रही थी दुख की बात हो रही थी तकलीफ की बात हो रही थी यू ऑबवियसली जमाल शाह से यू वर मैरिड एंड उसके बाद यू डिड डिसाइड टू गेट मैरिड अगेन वेल दैट्स न्यूज़ फॉर मी आई थिंक आई हैव बीन मैरिड फॉर अबाउट 10 इयर्स नाउ एंड यू डिडन इवन कॉल मी टू योर नो इट वाज वेरी क्वाइट आई वाज मैरिड इन द यूएस Not my favorite country, mm. but uh, <coughs> um, nevertheless, logistically it, it worked that way. My husband lives and works in the US. I have been visiting him regularly, and um, it's hard to, to mm. do the commuting. But uh, no, uh, Jamal, of course, um, uh, has, has had a very special uh, place in my life. And um, I think he's an incredibly, incredibly gifted person. Uh, you know, he's blessed beyond belief. He has uh, amazing talent in many ways. He is a Renaissance man. Um, but he should never have married. Mm -hmm. uh, I, I don't know about his second marriage. I wish them both um, uh, a lot of luck and uh, longevity and, and love. But uh, I believe that a person who is not willing and able to take responsibility uh, for the institution and for another human being and for themselves should really not involve another person in their lives. So you know that was my sorrow. Um, mm -hmm. no, losing Jamal um, was not as as uh, sad as the fact that you know I lost almost nine years of my life, uh, which I gave up when we parted. I understand. I understand. But you know, uh, very interesting. But uh, connection uh, पीपल्स पार्टी के साथ वर्फ पोलिटिकल नहीं था आई मीन फाइनो इट जो मेरी इन्फॉमेशन है उसके मुताबिक यूर इन इन कॉलेज विद मुर्तज़ा एंड यू आर अमलीज़ाजी जुल्फिकार अली भुटो एज एन अंकल रैली एंड तो वो एक पर्सनल ताल्लुक भी टूटा एक पोलिटिकल ताल्लुक़ के साथ साथ तो uh, जरूर दुख होता है um, असल ज़्यादा दुख उसी बात का है, जो आपने बात कही ना पॉलिटिक्स सेपरेट एक एक यू नो इस अनदर अफेयर वो जो जाती है ना जो बात है uh, वो उसका उसका बहुत दुख होता है आपको अच्छा mm. बेनजीर से तो बहुत दफा मुझे यू नो ऑब्वियसली शी बीन कमिंग टू मी फॉर मश्वराज एंड ऑल दैट यू नो हाउ आई आर डोज़ यू डू हर मेकअप यू शुड बिकॉज़ यू डू अ मच बे� How is he? मुझे अपने यूथ का कोई ऐसा किस्सा सुनाए अपने लाहौर we uh, you know, uh, में था तो मुर्तजा मेरे साथ थे वहाँ पे बड़े यू नो जिस तरह होते हैं दिस इज वी आर इन क्लास फाइव सिक्स जो थे ना सेवन एस में हम कटे थे वी शेड सेम बेंच इन फैक्ट वो हमारे उस वक्त होते थे स्कूल में

तो बहुत कुछ सीखा यू नो ही वाज वॉज फ्राम बैक बैकग्राउंड जिसके यू नो उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा था दुनिया में और पाकिस्तान में भी और मुझे वो कभी भी यू नो फर्स्ट जो मुझे सबसे पहले जो भुट्टो साहब की जो मुझे बात याद अभी भी आती है ना जो विच आई कैन नेवर फॉरगेट। ये सिक्सटी की वॉर के बाद ही रिज़ाइंड एज फॉरन मिनिस्टर यू हीज़ बिग हीरो तो वो एक, एक आए स्कूल में मुर्तज़ा को मिलने आए यू नो उनकी ही वॉज उनकी एसोसिएशन थी वॉज आइडेंटिफाइड विद दी विद द मासिस आम लोगों के साथ ही तो जितने अच्छा वहाँ पे ये हमारी गाड़ियों हमें लेने के लिए आती ना गाड़ियाँ हमारे ड्राइवर होते थे हुँ. और ये चौकीदार स्कूल के वो नो देवर ऑल फ्राम दी दैट क्लास उनको जिनको वो अटेंड करते थे ठीक है ना वो क्लास वो दे वॉज टैम पीरियड वहाँ पे जब भोटो साहब स्कूल में आ गए वो सारे ड्राइवर वो चौकीदार माली वहाँ स्कूल के यू नो दे गेदे टीम उन्होंने उठा लिया उनको वहाँ पे कंधों पे दैट दैट वॉज साइट एंड मेमोरी विच आई कैन नेवर फॉरगेट उसके बाद यू you नो know, मुझे और मुतजा को वो लेके गया माल रोड लाहौर पे एक हीको रेस्टोरेंट होता था शैले ऑन माल रोड So, you know, you know, I am partial to chocolate ice cream. So, <laughs> <Like laughs> I would have loved to know <laughs> you guys as boys. I would have loved to know you as boys. Then you could have had lots of chocolate ice cream together. Huh? <laughs> and I hope you would have eaten the chocolate ice cream really, and not yes. slubbered it all over the place. <laughs>

वेरी इंटेलिजेंट <laughs> <laughs> <between> <laughs> 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 No doubt, you know she has a wealth of ex political experience. and hmm. uh, you know, he was uh, somehow events or circumstances in her compelled him that he was a totally different tangent. away from politics, uh, Afghanistan, Syria, you know, so you know that had a, a tremendous effect on on, on his overall uh, upbringing. So, but Benazia uh, Baba, she's is, uh, you know. A, 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 थोड़ा ब्रेड पोलिटिकल एनिमल उस एंड शी शी नोज़ यू नो वेन टू एक्ट एंड वेन टू रिएक्ट बट समहा अनफॉर्चुनेटली आई फील सॉरी अबाउट दैट कि वो यू नो जिस तरह इवेंट्स यू नो दुनिया में अगर आप पॉलिटिक्स में इट्स अ क्वेश्चन टाइमिंग इफ यू मिस दैट टाइमिंग तो यू नो दैन इवेंट्स ओवर टेकिंग वन अनदर तो फिर वो At the end of the day, you might be sulking. You know, you might be left there to rue. That I didn't do that job. So, you know, ye, this is the only uh, my disappointment in her is only. You know, she had uh, tremendous potential. She's a very courageous lady. Very courageous. Believe me. I'm very fond of her myself. You know, but I'm uh, very, very fond of her. You know, and, and she is always. She always. You know, the one thing which stands out in her is that she's always defied the odds. Yeah, but does I that mean, Maktoum बेनीब भुट्टो पाकिस्तान वापस आती हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे नहीं ये तो बड़ा प्रिय मशहर है और मैं तो देखा छब्बीस सताईस साल मैंने पीपुल्स पार्टी में रहा है I've been with, hmm. uh, hmm. तो अब मैंने जब छोड़ दिया तो देर इज नो लुकिंग बैक नाव

शादी के बाद तो इसमें एक बड़ा एक वो म्यूजिकल एक्स ट्राइप भी हमने प्लान किया था बड़ा कुछ नो वी नीडेड अ गुड कंपेयर आल्सो तो आई वांट नेम हिम हमने एक बड़ा आपका नंबर वन कंपेयर है इसको ऑन ऑन वक्त उनको हमने आ, मैंने उनसे बात की यू hmm. नो you know, तो वो आपके साथ भी प्रोग्राम कई दफ़ा कर चुके हैं एट अ लास्ट मोमेंट यू नो ही सिंपली यू नो भाग है एट द एले आर मैंने रिक्वेस्ट की शबी साहब को उन्होंने hmm. तो कहा जी मैं तैयार हूँ एंड यू नो ही देयर ही इट अ पीटी वी ड्रामाज आप शौक से देखते हैं हमारे ड्रामे अब तो देखें आप तो मीडिया इतना

गो एंड गेट मैरिड इज इट लाइक दैट कभी ऐसा नहीं होता hmm. कभी वो uh, किसी इंडियन एक्ट्रेस के साथ मेरा नाम लगा देते हैं यू नो बट एक बात मैं आपको कहूँगा यू नो अगेन वेरी फ्रेंकली ये यू नो दिस थिंग्स थिंग एट टाइम्स यू नो आप फीलिंग uh, आपको ऐसी होती है कि आप एक आपको ईगो भी बोस्टर कर हैं ठीक है जी आपके साथ ये ऐसे hmm. नाम लगा रहे हैं hmm.

लेकिन यकीन से कह सकती हूँ कि अब हमारी बहुत सी मुलाकातें होंगी ज़रूरत है फ़रियाल इट सो नाइस हैविंग यू ओवर इतने अरसे बाद मिली लेकिन अब हम नहीं हो जाना मिलते रहना वादा करो मिलोगी ना <laughs> मेरी इच्छा फ़रियाल कोहर लव यू एंड थैंक यू सो मच मखतुम साहब आरोग मुझे यकीन है कि आप सबको भी आज मखतूम फैसल साल हयात और फ़रियाल गोहर की बातें बहुत दिलचस्प लगी होंगी मैं बेगम नवाज़ अली आपके आपसे आज की इस शाम के से इजाजत चाहती हूँ देखिए मखतूम साहब अब तो लफ्ज भी लड़खड़ा कर निकल रहे हैं <laughs> <laughs> मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सब ना बहुत ख्याल रखिएगा अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी दो बहुत ही मज़ेदार शख्सियात के साथ खुदा हाफिज नवाजिश